राजीव भाई जी, आप अभी ऑफ कैमरा जी पुलिस वाले भाइयों के लिए कुछ कह रहे थे। हमारे हिंदुस्तान में जितने पुलिस वाले भाई हैं उनके लिए कुछ आपने एक दो बातें बोली जो मैं चाहता हूँ लाइव आप जनता को बोलो। कर्मचारी कर्मचारी होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं। देश के पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलती है और ये सर्वनाश है इस देश के लिए। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, भगवान बनिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। छुट्टी मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। जिसको भी रविवार को छुट्टी नहीं मिलती है, देश के हर अधिकारी सरकारी कर्मचारी रविवार को छुट्टी मनाते हैं। पुलिसकर्मी और जो भी छुट्टी जिसको नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए और जरूर मिलेगी। अच्छा ये बताओ, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो उसके लिए आप क्या करोगे? क्यों नहीं मिलेगी? ये तो चलता आ रहा है ना, आपने अब तक क्या कर लिया आपने, ये बताओ ना आप। मैं तो कहता हूँ भगवान बनिए, मेरी ताकत बढ़ाइए। भगवान कैसे बने? कम से कम एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, और 100 रुपया महीना नहीं दे सकते तो कम से कम 10 रुपया महीना राजीव तलवार को जरूर दीजिए। आपको हर महीने 10 रुपए जनता दे। मैं फ्री में मोदी मिला मायावती को, DM SP को, सबको तनख्वाह दे रहे, मैं फ्री में काम क्यों करूंगा? अच्छा, अगर आपको हर भगवान 10 रुपए देगा तो आप सबके लिए आवाज उठाओगे, और जो पुलिस को छुट्टी नहीं मिल रही उसके लिए आप बड़ा तमाशा करोगे भारत देश के अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए? लास्ट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो शर्मनाक है। क्यों नहीं मिलेगी छुट्टी पुलिस कर्मी को, या जिसको भी नहीं मिलती? मिलनी चाहिए, मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? तो अब ये देखो ना, जितने भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, पुलिस वाले अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं और दुनिया मौज काट रही होती है। गलत है ना? गलत है कि नहीं है? लेकिन रक्षा भी तो जरूरी है। वो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा कि एक दिन उनको छुट्टी मिल गई उस दिन पे और अगले दिन उनको, तब क्या? अगर आप ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो देश में आप क्या करने वाले, वो तो बताइए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, मैं करके दिखाऊंगा, बस आप लोग भगवान बनिए। तो लेकिन आजमगढ़ में तो आप कम से कम 600 वीडियो बना चुके हो, बदलाव आया लेकिन इतना नहीं आया राजीव भाई। जब तक वो बम मेरा जो बम है वो असली रूप में जब सामने आ जाएगा ना, तो अपने आप सारी चीजें सही होने लगेंगी। ठीक बात है। तो ये राजीव भाई थे जिनको महीने के 10 रुपए आप दे सकते हैं, 100 रुपए डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी अपनी अपने रूप में आएंगे, अपनी ताकत में आएंगे और शक्तिमान बनके घूमकर तहलका मचाएंगे। आजमगढ़ से दिल्ली आए हैं, इनका ये एक गुस्सा था कि सन्नी भाई यार मैंने आपसे बात करनी, मैंने कहा बताओ क्या बात करनी, कह रहे यार हमारे पुलिसकर्मी भाइयों को छुट्टी नहीं मिलती। मैं भी सहमत हूँ भाई, छुट्टी क्यों नहीं मिलती? लेकिन मैंने बोला भाई सही कैसे करोगे, कह रहे भगवान बनो। मैंने कहा भगवान कैसे बनूं, कह रहे सन्नी भाई 100 रुपए महीना दो। सन्नी भाई इस देश में 5 लाख पुलिसकर्मी होंगे, 1 रुपया महीना दीजिए आप, आपको हम संडे को छुट्टी दिला के दिखा देंगे। अच्छा इतनी बड़ी ताकत, 1 रुपया महीना दे, जितने पुलिसकर्मी है बताइए सबको, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं आप, 1 रुपया महीना नहीं दे सकते, 1 लाइक नहीं दे सकते आप, तो फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? ये उनके लिए आम वीडियो होगी जो राजीव भाई को नहीं जानते। मैं आपको बता देता हूँ, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है उल्लू टीवी, एक बार आप जाएं देखें इनकी ताकत, ये बहुत बड़े शक्तिमान है। ऐसे घूमते हैं कि अच्छे से अच्छे बंदे को घुमा देते हैं, और इनसे ताकतवर इंसान मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। और ये जो कह रहे हैं कर भी सकते हैं, इनके पास ताकत है, बड़े लेवल की ताकत है, और इनका जो बोलने का स्टाइल है वो स्टाइल ही नहीं है, ये करके दिखाते हैं। अच्छा पेटीएम नंबर क्या आपका भाई जी, जहाँ लोग पेटीएम करेंगे? 8299976 4979 79 गूगल पे फोन पे सब इंग्लिश, व्हाट्सएप भी है। इंग्लिश में बोलो 8299764971। अच्छा गूगल पे फोन पे पेटीएम सब कुछ है, व्हाट्सएप भी है। तो देखते हैं कितने भाई भाई को सपोर्ट करते हैं। ये वही राजीव तलवार हैं जो अपनी जुबान से ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि बंदे को समझना पड़ जाता है कि ये गाली नहीं दे रहे, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। लोगों को लगता है गाली देते हैं लेकिन ये कुछ कहना चाहते हैं जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिए जरूर समझ में आएगा, कोशिश करिए, चर्चा करिए जरूर समझ। अच्छा अभी तक कितने भगवान आपको मिले, कितने लोग महीने के 100 रुपए दे रहे हैं आपको? इतना भेज देते हैं जिससे मेरा खर्चा चल जाता है, लेकिन असली रूप पाने के लिए कम से कम 500 भगवान चाहिए। अभी अभी मैं अगर आपके बातों को समझूं तो आपके पास कम से कम 500 भगवान तो नहीं, लेकिन आपके पास 50-60 भगवान है। 50-60 भगवान है पक्का। अच्छा भगवान का दर्जा क्यों दिया आपने? भगवान है, भगवान को भगवान आप जैसे भगवानों ने बनाया है, आपके माता पिता आप गुरुजन आपके लिए भगवान है, तो मेरे लिए आपको भगवान क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा समझ गया, ये जो है ये अलग है और इनको समझने के लिए आपको इनके उल्लू टीवी चैनल पे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, तहलका मचाता रहूंगा।